हेलो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है और आपके पास स्मार्टफोन है, आप जो जितना भी वीडियो है आपका चैनल का आप स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड करके स्मार्टफोन से एडिट करते हो, लेकिन उतना ज़्यादा एडवांस लेवल का आपका वीडियो जो है एडिटिंग नहीं होता है, तो घबराइएगा मत। आज मैं इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का समाधान करने वाला हूँ। आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स 90% यूट्यूबर्स जो है अपना यूट्यूब का जो वीडियो है मोबाइल फ़ोन से ही एडिट करते हैं। आप ये सुन के हैरान हो सकते हैं, लेकिन यही सच है। तो इस वीडियो में आज हम काइनमास्टर का बहुत ही ज़्यादा एकदम बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक वीडियो एडिटिंग का जो फीचर्स है वो आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया बिना स्किप किए, हर एक स्टेप को मैं एकदम गहरी तरह से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा, कुछ माइंड मत करिएगा, ये आप ही का काम आने वाला है। अगर ये वीडियो आप पूरे का पूरा देख लिए तो एकदम मेरा गारंटी है कि आपको कहीं पर जाने का ज़रूरत नहीं, काइनमास्टर के ट्यूटोरियल यूट्यूब में ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको पेशेंस लेके देखना है। तो इस वीडियो का अगर आप देख लेना दोस्त, आपका जो वीडियो है, वीडियो का क्वालिटी जो है, वीडियो की एडिटिंग क्वालिटी बोलिए, आप पूरा चेंज हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, आप इसको मेरे वीडियो को देखने के बाद आप अपना वीडियो का जो भी एडिट करोगे तो देखोगे, आप खुद ब खुद देख पाओगे कि आपका जो वीडियो है वीडियो एडिटिंग लेवल पर फर्क आ रहा है। तो हे गाइस, दोस्त मैं हूँ आपका दोस्त शुधामा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसे आप काइनमास्टर को ओपन करोगे, काइनमास्टर के यूज़र इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक दिख रहा है, ये एक बटन दिख रहा है, ये एक बटन दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ छेड़खानी नहीं करना है। सेटिंग्स में जाके आपको जो कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सेटिंग्स में कुछ छेड़खानी मत करिए, क्योंकि सेटिंग्स में कुछ ही से छेड़खानी करेंगे तो आपका फ़ोन में जो है वीडियो एक्सट्रैक्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, एडिटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले ये बड़ा जो बटन दिख रहा है आपको, इस पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपके सामने तीन ये बड़ा बड़ा छोटा छोटा तीन आपको आइकन आ जाता है, ठीक है। ये तीन आइकन का काम है बेसिकली, ये इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है तो 16:9 रेशियो, इस रेशियो में आपको वीडियो बनाना है। अगर आप फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपको 9:16 रेशियो में वीडियो बनाना है। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं तो ये 1:1 वीडियो में आप जा सकते हो। तो जैसे कि हम लोग ये यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम लोग का पर्पस यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना, तो हम लोग 16:9 रेशियो क्लिक करेंगे। तो जैसे 16:9 रेशियो में क्लिक कर लेंगे, ऐसे ये यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेटिंग्स का बटन दिख रहा है, सेटिंग्स के बटन में आपको क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख लेना ध्यान से, ये ऑडियो मीटर वॉल्यूम इसको यहाँ से आप ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपका फ़ोन में ऑन है ना तो आप जैसे ही कोई वीडियो स्टार्ट करोगे, एडिटिंग स्टार्ट करोगे, तो आपका शुरू में जो साउंड है वो थोड़ा लो रहेगा और एंड में थोड़ा लो रहेगा। तो ये अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है वीडियो में, वीडियो में भी वही सेम आपका वीडियो जो है फेड हो जाएगा, कलर डल हो जाएगी। या अगर आपको पसंद है तो आप इस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और एडिटिंग में यहाँ पर बहुत सारा कुछ है। मैं यही बोलूँगा कि आपका जो है यहाँ पर सब कुछ सेटिंग्स डिफॉल्ट रहने दीजिएगा, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इससे प्रॉब्लम हो सकता है आपका वीडियो में, तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो एडिटिंग का जो ऑप्शन इसको डिफॉल्ट रखने दीजिए, और वीडियो और ऑडियो इसमें आप जो ऑटोमेटेड वॉल्यूम है इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके वापस आ जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ही बटन आपको एक्टिवेट देख रहा है, ये है मीडिया का बटन, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे मीडिया बटन पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बटन देख रहा है, तो यहाँ पे जाके आप जो है एक्सेसरीज डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मेरा नेट अभी बंद है इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, आपका शो हो जाएगा। आप अगर प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपका शो हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे। मीडिया में जैसे ही क्लिक कर लेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मेरा जो गैलरीज है, गैलरी में सब कुछ आ रहा है, गैलरी में क्या क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके मैंने अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए जो इंट्रो रिकॉर्डिंग किए थे उसको मैं ले लूँगा आपको वीडियो एडिटिंग दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको आ रहा है इसको ओके कर, यहाँ पे मीडिया को ऐड कर देने के बाद आपका जो बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है आप देख रहे हो, ऑडियो का ऑप्शन है, वॉइस का ऑप्शन है, सारा जो ऑप्शन है वो सब यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, जैसे वीडियो पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे दूसरा बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये ट्रिम वाला ऑप्शन पहले दिखाऊंगा। ये जो ट्रिम वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ट्रिम वाला, इसका काम क्या होता है, देखिए अभी ये इनएक्टिव है, मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे ले जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, यहाँ पे दाग दिख रहा है जो अभी खड़ा है, मतलब यहाँ से हिलता नहीं है। तो इसका काम क्या है बेसिकली, आप देख रहे हो कि मैं जैसे ही वीडियो को हिला रहा हूँ तो ये डॉट खड़ा है, मतलब ये पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि आपका वीडियो अभी यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे आप कुछ भी अभी एडिटिंग करोगे तो यहाँ पे आपका एडिटिंग होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक है ट्रिम टू लेफ्ट और एक है ट्रिम टू राइट, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली क्या है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो वीडियो है, मैं पहले थोड़ा स्टार्ट रहा पे वीडियो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो इसको मैं कट करना चाहता हूँ। तो ये हो गया मेरा जो वीडियो है लेफ्ट से कट होगा, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, तो मेरा जो वीडियो आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट से क्लिक हो गया।
और यहाँ पे जो आपका बटन देख रहा है, आपका अगर वीडियो में कोई गलती है, कुछ बहुत कुछ गलती हो गया, उसको वीडियो अंडू करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप अंडू कर सकते हो, ठीक है। और फिर अगर मैं उस चीज़ को मैं रिड्यू करना चाहता हूँ तो इसको मैं क्लिक करके रिड्यू कर दूंगा। तो अभी ये मेरा जो वीडियो है मैं थोड़ा कट कर चुका हूँ। तो अभी इसका जो दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर थोड़ा सा बीच में ले जाता हूँ तो यहाँ पे आपका राइट ट्रिम वाला ऑप्शन आ जाता है। अगर राइट ट्रिम वाला मैं दबा देता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा जो वीडियो है राइट से कट हो जाएगा। तो ये राइट से कट हो गया, मैं इसको फिर से अंडू कर लूँगा ताकि आपको पूरा वीडियो का एडिटिंग वाला जो ऑप्शन है वो दिखाया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे दिख रहा है स्प्लिट एट प्ले हेड, ठीक है। उसको जैसे हम स्प्लिट कर देंगे तो ये दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये जो वीडियो है दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाएगा। आपने देखा होगा काफ़ी सारा वीडियो में वीडियो चलते चलते बीच में ऐड आ जाता है, तो ये सब कैसे होता है, ये ऐसे होता है दोस्त कि दो वीडियो को ऐसे स्प्लिट किया जाता है। आप फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाके आपको स्प्लिट वाला ये वाला जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देते हैं तो दो वीडियो स्प्लिट हो जाता है। तो अभी यहाँ के फिर बीच में आके फिर क्या करना होगा, मीडिया में जाना होगा और आपका जो इंट्रो है वीडियो का, कोई भी इंट्रो है वो इंट्रो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन में मैं जाऊँगा, यहाँ पे मेरा बहुत सारा इंट्रो है, मैं इंट्रो अपना चैनल का इंट्रो लगा के रखा था तो इंट्रो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। इंट्रो मैं जैसे लगा दूँगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा इंट्रो जो है स्टार्ट हो चुका है। जैसे इंट्रो खत्म हो जाएगा, इंट्रो खत्म होने के बाद ये वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे करते हैं, तो ये होगा एक दूसरा पार्ट। मैं इसको फिर अंडू कर दूंगा आपको दिखाने के लिए, और ये वाला जो स्प्लिट किया था इसको भी मैं अंडू कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आता है आपका स्प्लिट एंड फ्रेम फ्रीज। तो इसको स्प्लिट एंड फ्रेम फ्रीज करेंगे तो ये जो वीडियो है यहाँ पे इसका एक बेसिकली फ़ोटो हो गया, ठीक है। ये फोटो करके यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब यहाँ पे सामने वाला जो इस सीन में जो मेरा जो फोटो था उसको फ्रीज करके यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। कभी बार क्या होता है कि हम लोग वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये आता है कि बाद में हम लोग जब वॉइस ओवर करना चाहते हैं तब छोटा पड़ जाता है वीडियो, तो तब आप ये ऑप्शन जो है आप इसको यूज़ करते हैं। तो मैं इसको अभी अंडू कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरा अपना आता है दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन था मैं वो आपको दिखा दिया। स्प्लिट करने के बाद मैं एक बार फिर से स्प्लिट करता हूँ क्योंकि आपको दूसरा वाला एक चीज़ दिखाना है। तो यहाँ पे इसके बाद आता है आपको ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन का बेसिकली काम क्या है कि आपका वीडियो का जो है पैन जूम, ये चीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे दो उंगली दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो है इसको जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन आएगा, आप देख सकते हो, इसको मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके फिर इसको जो है यहाँ पे सेम रखने देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक इज इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो इसको अगर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है जैसा है यहाँ पे भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। हम लोग को ये नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांजिशन देखना है, तो इसको हम लोग ओके कर देंगे। ओके जैसे कर देंगे आप देख सकते हो वीडियो जैसे ही चलाएंगे ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे एक जूम एंड जूम आउट का इफेक्ट आपको दिख रहा है। तो ये अगर आप कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है आप वीडियो में, ये अच्छी चीज़ है, ये चीज़ आप कर सकते हो। तो मैं इसको फिर अंडू कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको सिर्फ दिखाना था, इसके लिए मैंने किया था। तो ये हो गया, ये दूसरा एक चीज़ हो गया। जैसे वीडियो में जाएंगे फिर यहाँ पे एक चीज़ आपको और आता है कि साउंड। अगर आप चाहते हैं कि वो जो आप जो वीडियो रिकॉर्ड की हो उसका जो साउंड है वो आप साउंड कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो, यहाँ से आप 200% कर सकते हो, यहाँ से पूरा कम भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे इसको कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाया गया है वॉल्यूम का, ऑटो वॉल्यूम, मतलब इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो आपका जो वीडियो है अगर आप चाहे तो इसको लेफ्ट और राइट दोनों मिला के इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। राइट लेफ्ट करके दोनों को चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप यहाँ पे दोनों को बीच में रख देंगे तो तो वो जो नॉर्मल है नॉर्मल जैसे हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको जैसे ऑटो कर दूंगा ये ऑटो में चला जाएगा। आप जैसे आपके हिसाब से एक बार चेक करके देख लीजिए कौन सा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, आपका ये तीनों ऑप्शन हो गया। इसके बाद एक बार रीडू कर लेंगे, रीडू कर लेते हैं नहीं तो ये जो वीडियो है ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हो ये रीडू अंडू, ये रीडू का, ठीक है, छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। एक चीज़ दिखाना तो भूल गया, ये जो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट का ऑप्शन भी, आप डिलीट भी कर सकते हो, इसको डिलीट कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपको जाना, आप ग्राफिक्स में जा सकते हो। ग्राफिक्स में जाने के बाद आप यहाँ से ग्राफिक्स डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे फिलहाल कोई ग्राफिक्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपका अगर ग्राफिक्स फ़ोन में है तो डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे ग्राफिक्स हो जाएगा। यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हो, स्पीड। ये स्पीड से आप काफ़ी बार देखे होंगे कि आप वीडियो में किसी दूसरे का वीडियो में स्लो मोशन या स्पीड मोशन आप देखे होंगे, तो ठीक है। मैं इसको इसी वीडियो में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वीडियो अभी नॉर्मल है। इसको अगर हम लोग स्लो मोशन में करने जाएंगे तो इसका जो रेंज है इसको हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको साउंड कम कर दूंगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। इसको और भी स्लो करना है तो इसको और स्लो कर देंगे, ठीक है। 2.0 इसका मैक्सिमम,
आप देख सकते हो कि इसका जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा आपका एप्लीकेशन है जिसमें आप स्लो मोशन में वीडियो कर सकते हो। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप कम भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट में भी कर सकते हो। आप देख सकते हो फास्ट 8x तक फास्ट है, इससे आपका क्या होगा 10x 11x। ओ माय गॉड, अभी इसमें इसको पूरा देखा नहीं, 16x तक इसका जो स्पीड है ये मैं अभी 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 देख रहा हूँ आपको दिखाने में, क्योंकि मैं अभी इतना यूज़ किया ही नहीं हूँ, कभी 1.5 के ऊपर कभी गया ही नहीं हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको वहाँ से एकदम झटक से पूरा 1x में आना है तो आपको यहाँ पे 1x पे क्लिक करना है, तो आपका जो नॉर्मल वीडियो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे 8x कर दिया हूँ। आप देख सकते हो कि ये वीडियो अभी कितना फास्ट चलेगा, आप खाली देख लो, बहुत इतना ज़्यादा फास्ट चल रहा है कि ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से 1x में आ जाना है। तो आप इससे करके आपका जो वीडियो है, वीडियो का आप स्पीड कम कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे जब अगर वीडियो को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दे तो आपका जो वीडियो है वो ऑडियो में बहुत चेंजेस आता है। तो आप ऑडियो को म्यूट करके अपना जो ऑडियो है यहाँ पे आप क्लिक करके म्यूट कर करके दूसरा ऑडियो आप दे सकते हो, ठीक है। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे इसी वीडियो का ऑडियो को रख के इसी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है, वो भी मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, थोड़ा पेशेंट रखिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है कि पिच, अगर आप वीडियो का साउंड रखना चाहते हो, ऊपर से वीडियो का जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपको इसको क्लिक कर देना है। क्यों क्लिक कर देना, अगर आप ये नहीं करोगे ना दोस्त, तो आपका जो वीडियो है उसका साउंड जो है रोबोटिक टाइप का हो जाएगा। तो ये अगर ना हो तो इसके लिए आपको की पिच, आपका जो वीडियो का पिच है उसको रख देना है, ठीक है। तो मैं इसको रिड्यू कर देता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो अभी आपको ग्राफिक्स और ये सब चीज़ दिखाना होगा। अभी यहाँ पे आपको एक रिवर्स ऑप्शन दिख रहा है, तो रिवर्स ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो वीडियो है जितना भी जा रहा सारा प्रोसेस आप किए हो वो सब छोड़ के आपका जो वीडियो है पूरा एंड से स्टार्टिंग होगा, मतलब आपका जो वीडियो है जो है पूरा उल्टा हो जाएगा, आपका वीडियो एंड से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग एंड में चला जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन ये कैंसिल हो भी नहीं रहा, ठीक है, चलिए पूरा होने देते हैं। ये हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैं इसको होने नहीं दिया, अभी मैं इसको दिखाता हूँ अपना जो वीडियो है वीडियो को थोड़ा छोटा करके, फिर पहला वाला जो ऑप्शन है उसी में मैं ट्राई करूँगा। अभी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिख रहा है रिवर्स में हम अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स में जैसे अप्लाई किए बहुत ही ज़्यादा फास्ट में हो रहा है, क्योंकि वीडियो को जो है बहुत छोटा कर दिया है, तो ये हो रहा है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि ये वीडियो जो है कम्प्लीट हो गया। आप देख सकते हो जैसे मैं वीडियो को चलाऊँगा तो ये वीडियो एंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये था आपका एक और ऑप्शन, उसके बाद हम उसको फिर रिडू कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद आपका दूसरा एक ऑप्शन आता है रोटेटर मिरर ऑप्शन। रोटेटर मिरर से आप देख सकते हो, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप इसको ये जो है आपको दिख रहा है आपका वीडियो जो है लेफ्ट से राइट हो जाएगा और ये जो है आपका वीडियो ऊपर से नीचे हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरा जो वीडियो है वीडियो का जो ऊपर नीचे हो रहा है ऊपर नीचे, मैं इसको फिर से ठीक कर दिया और यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा मेरा वीडियो दाहिने बाएं ये सब हो जाएगा। आप ये जो ट्रांजिशन है ये सब इफेक्ट आपका वीडियो में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो वीडियो है एकदम पैरेलली आपका वीडियो रोटेट हो रहा है, ये ऊपर से मतलब एक जगह से और दूसरा जगह हो गया है। आप इसको एकदम चारों ओर घुमा सकते हो, चाहे तो पूरी दुनिया भर में घुमा लेना, ये वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए तो आपका जो वीडियो है एडवांस लेवल पर एडिट करने का तरीका आपको आ जाएगा। तो मैं इसको फिर से अंडू कर दूँगा, ठीक है, ये मेरा है ओरिजिनल तरीका। अभी इसके बाद आपका ये हो गया कलर फिल्टर, यहाँ पे कलर फिल्टर का बहुत ही अच्छा सा कलर फिल्टर दिया गया है, तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक में जाएंगे तो बहुत सारा कलर फिल्टर जो है आपको वीडियो में लगाने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि वीडियो का जो कलर है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा ट्रांजिशन इफेक्ट दिया हुआ है, आप वो चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो है नॉर्मल यूट्यूब में नॉर्मल तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा वो आप देख सकते हो, यहाँ पे वार्म है, कूल है, फिर वीड है, जो आपको पसंद लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो फिलहाल इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर नॉन पे क्लिक करके फिर मैं वापस आ जा रहा हूँ। उसके बाद आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या, फिर वीडियो घूम गया, चलिए एक बार फिर से वीडियो को घुमा देते हैं, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम हो गया था। तो इसके बाद एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हैं, आपका जो वीडियो है वीडियो का लाइट बहुत ही ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से अगर कम लग रहा है तो आप ज़्यादा कर सकते हो। इसमें आपका जो एडजस्टमेंट है इसमें आपका एक्सपोजर, वीडियो के एक्सपोजर कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर आपका लाइट का जो आपका डीपनेस है वो आपका कम ज़्यादा यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल रख लेता हूँ, वो आपके हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे वो आप कर सकते हो आपके वीडियो के एडिटिंग के हिसाब से। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है EQ, EQ में आपका जो ऑडियो है ऑडियो का जो बेस है आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो, ARM जो आपको पसंद है वो ऑडियो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एकदम आसानी से। उसके बाद आपको आता है वॉइस चेंज वॉल्यूम, यहाँ पर मान लीजिए आपको एक मैं सिंपल सा चीज़ दिखाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो में कहीं जगह पे आप चाहते हो कि वॉल्यूम थोड़ा अप डाउन हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे
प्लस कर देता हूँ, ठीक है। प्लस करके फिर मैं, मुझे इस जगह तक उसको चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अभी बीच में आके मैं क्या करूँगा, साउंड जो है इसको कम कर दूँगा, कम ज़्यादा जो भी करूँगा इसके हिसाब से आ जाएगा। मतलब यानी कि यहाँ से साउंड स्टार्ट होके, साउंड वहाँ से स्टार्ट होके फिर एक बार बीच में बढ़ जाएगा, बढ़ जाने के बाद फिर वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही इसका खासियत है। आप चाहे तो इस एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हो, इस चीज़ का भी यूज़ अब कर सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिखा दिया। उसके बाद दोस्त आता है यहाँ पे वॉइस चेंजर। अगर आप चाहते हो तो आपका जो वॉइस है, वीडियो का वॉइस है, वॉइस आप चेंज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं तो वॉइस में थोड़ा चेंज लाने के लिए, तो आप यहाँ से वॉइस चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉर्मली रहने दूंगा। उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है बिजनेट, ठीक है। बिजनेट अगर कर दूंगा तो आप देख सकते हो वीडियो में जो है थोड़ा ब्लैक सा शेड आ गया है, तो आप ये भी चाहे तो बीच बीच में कर सकते हो। तो उसके बाद मैं जो आपको बोला था कि आपका वीडियो का जो ऑडियो है, आप अगर चाहे तो उसको रख के दूसरा ऑडियो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का जो ऑडियो है वो डिलीट कर दिया जाए, तो यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका देख सकते हो कि नीचे आपका जो ऑडियो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो अभी आप चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, तो ऑडियो को आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप ऑडियो को डिलीट कर दोगे तो आपका जो वीडियो है, वीडियो में ऑडियो नहीं चलेगा। मैं आपको चला के दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं कि इस वीडियो में ऑडियो नहीं है। आप यहाँ पे एक सिंबल देख सकते हो, आपको यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है कि यहाँ पे ऑडियो जो है वो ऑडियो नहीं है, तो ठीक है। तो मैं इसको फिर से अंडू कर लूँगा, क्योंकि ये ऑडियो मुझे चाहिए वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, लेयर का ऑप्शन आता है। हम जाएंगे लेयर का ऑप्शन में। लेयर का जो ऑप्शन है, सबसे पहले आता है मीडिया। मीडिया मीडिया में जाके हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे अपने वीडियो में लोगो लगाना है, तो लोगो अगर लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा चैनल का कोई लोगो मुझे सबसे पहले बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे YouTube इंटो बोल के एक चैनल है, वहाँ पे मैं अपना चैनल का लोगो बना के रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे लोगो लगा लूँगा। तो मुझे अभी यहाँ पे आके लोगो ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद मुझे अभी ये जो बटन दिख रहा है, यहाँ पे एक बटन दिख रहा है आपको, उसको प्रेस करके आपका जो लोगो है उसका एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको इसके ऊपर ठीक ऐसे क्लिक करके इसको ड्रैग करके आपको जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे उसको रख देना है। जैसे ही रख देंगे आपका ये प्लेसमेंट हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये यहाँ पे दिख रहा है ये जो लोगो है, लोगो को आपको पूरा वीडियो का एंड तक आपको लेना है, ठीक है। अगर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप एक काम कर लीजिए, दो उंगली यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद आपको इसको जूम कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए। जूम आउट ये हो गया। अभी यहाँ पे ये जो आपका फोटो आप ऐड किए हो आपका चैनल का लोगो, इसको पकड़ के इसका जो दाहिने तरफ का जो पूंछ है इसको पकड़ के पूरा रख दीजिए, जब तक ये वीडियो ख़त्म ना हो, ठीक है। इसको छोड़ दिए, पकड़िए, छोड़िए। तो अब ये क्या हुआ, जो आपका जो लोगो है पूरा वीडियो भर, पूरा वीडियो में एकदम यही लोकेशन में आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका काम। इस पर यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्प्लिट है, अगेन स्प्लिट और एडिटिंग यहाँ पे वो सेम काम है जो मैं वीडियो का पहले में बता चुका हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, खैर छोड़िए ये सब, ये चीज़ मैं दूसरा एक चीज़ लेके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन एनिमेशन जो ट्रांजिशन है वो देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप पॉप देखते हो तो ऐसे होगा, अगर स्लाइड देते हो तो ऐसे होगा, जो आपका मर्जी है वो आप ऐसे दो। मैं तो हमेशा पॉप ही देता हूँ। और आउट एनिमेशन, ये अगर ख़त्म होगा तो कैसे होगा, मैं फेड दे देता हूँ, मतलब ये थोड़ा ब्लर फेड होकर ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ओवरऑल एनिमेशन आप अगर ब्लिंक देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन इसको रखना ही बेहतर होगा, वो आपके हिसाब से देख लीजिएगा। अगर चाहे तो आप इसको क्रॉप करके इसका जो एरिया है छोटा बड़ा आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो एकदम कस्टम बनाया हुआ है मेरा अपने हिसाब से, ठीक है। अल्फा ओपेसिटी, इसको आप ओपेसिटी यहाँ पे आप इसका जो ओपेसिटी है कम ज़्यादा आप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपेसिटी इसका कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको 100% रखने दीजिए, क्योंकि इसको इसी तरह से बनाया गया है, मैं बनाया हूँ कि कैसे ये सिर्फ वीडियो में ही दिखेगा छोटा करके, इतना जगह कवर नहीं करता है। फिर भी आप अगर चाहते हो तो इसका छोटा बड़ा कर सकते हो और इसका जो ओपेसिटी है कम कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि आपका जो चैनल का लोगो है वो कैसे बनाया जाए, मैं इसका भी एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा बस पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। तो उसके बाद इसका भी आप कलर एडजस्टमेंट ये सब कर सकते हो, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप इसको ओवरले, मतलब यहाँ पे ओपेसिटी आप कम कर सकते हो, इसको अगर नॉर्मल लग दोगे तो ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऑप्शन आप एक बार चेक करके देख सकते हो। जैसे कि मेरा ये जो लोगो है वो एकदम बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, तो उसमें ज़्यादा चिरखनी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये हो गया, आपका चैनल का जो लोगो है वो आप वीडियो में लगा लिए। इसके बाद वाला जो ऑप्शन आता है लेयर में, आपका आता है इफेक्ट्स में, ठीक है। इफेक्ट्स में यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी बार क्या होता है कि आप अगर कोई वीडियो
बना रहे हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि ब्लर इफेक्ट आपको दिखना दिखाना पड़ता है। तो यहाँ से आप मोजाइक ब्लर या गोशन ब्लर ये आप ले सकते हो। मैं दोनों ही ब्लर ऑप्शन को लेकर आपको दिखा रहा हूँ किसका काम क्या है, ठीक है। एक बार इसको लेता हूँ और एक बार इसको लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ब्लर वाला ऑप्शन आ गया है, लेकिन दोनों एक ब्लर आया है, सॉरी एक ब्लर आया है। मैं एक और ले लूँगा, एफएक्स बोल के एक और ले लूँगा। मैं एक और ले लिया, सॉरी यहाँ पे एक ही ले रहा है तो एक और मुझे अलग से लेना पड़ेगा इफेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एक और ले लिया तो आप देख सकते हो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो है सॉफ्ट सा ब्लार करता है और ये जो है आपका एक ब्रेकिंग वाला ब्लार करता है, मोजाइक वाला ब्लार करता है। किसी एक को मैं डिलीट कर दूँगा और एक के ऊपर दिखाऊँगा आप इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकते हो और नीचे आपका जो एक बटन दिख रहा है इसको आप एडजस्ट करके अगर ऊपर की ओर खींचोगे तो ऐसे जाएगा, अगर इसको लेफ्ट के ऊपर खींचोगे तो ये ऐसे छोटा होगा। तो आपको एडजस्ट करके इसको खींचना है। अगर मुझे मुँह को ब्लर करना है तो ऐसे हो गया। अभी इसको ड्रैग करके वहाँ पर लेके जाना है जहाँ पर मुझे ब्लर करना है। अभी इसका इन एनिमेशन आप देख सकते हो, पॉप अप, स्लाइड, लेफ्ट राइट जो भी आप कर सकते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। इसको लर्न करना ही बेहतर होगा क्योंकि हम लोग इसको कुछ ढकने के लिए यूज़ करते हैं। आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हो इसका शेप, अगर चाहे तो आप कम ज़्यादा ऐसे राउंड शेप कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका शेप जो है यहाँ से आप शेप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, आप देख लेना। तो ये जो है मैं नॉर्मली रखूँगा। आपका जो वीडियो है जिस तरह से आपका वीडियो आएगा उसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन है इसको रोटेट मिरर करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो आप अगर चाहे तो ये एक बार यूज़ करके देख सकते हो। तो ये था आपका लेयर में ब्लर वाला ऑप्शन, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर दिया, फिर मैं लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाने के बाद ओवर लेयर बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ से आप अगर आपके पास ओवर लेयर है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो यहाँ से आप गेट मोर करके उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा नेट कनेक्शन ऑफ है तो नहीं आ रहा है, तो मैं कोई दूसरा कोई वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा ओवरले का यूज़ क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। काफ़ी बार आप देखे होंगे कि मेरा चैनल में जो लोगो नीचे लिखा हुआ होता है वेलकम यू आर वाचिंग टेक्स्ट शो, ऐसे करके आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे दूंगा यू आर टू आर वॉचिंग टेक शुदमा, ठीक है। यहाँ पे आ गया है तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैं लेके आ गया, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। तो अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहा है। सबसे पहले जो है आप ये टेक्स्ट को ऐसे ही रखने दीजिए और यहाँ पे जाके आप कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो वाइट करके एक बूंदी दिख रहा है यहाँ पे जाके आप प्रेस करके कलर को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से रेड वाला। इस यहाँ से अगर होता है तो आपका जो कलर है लाइट होगा और इस कोने में आएगा तो डार्क होगा। तो यहाँ पे आपको घुमा के इसको टेक्स्ट को जो है कलर को डिफरेंट डिफरेंट करके कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका जो कलर है सॉलिड कलर में आ जाएगा। आपको जो कलर पसंद आएगा वो आप चूज़ कर सकते हो और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो आपको कौन सा कलर में क्या चाहिए। तो ठीक है, मैं इसको रेड में चूज़ कर लेता हूँ, फिर इसको ओके कर देता हूँ, रेड मेरा कलर हो गया। अभी यहाँ पर आप इस ऑप्शन में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको बोल्ड में कर दूंगा, बोल्ड यहाँ पे चेंज हो गया। इसके बाद इसका जो है ग्लो, आउटर ग्लो, ये सब ऑटो लाइन कर दीजिएगा तो टेक्स्ट थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको ऑन करने से आपका बैकग्राउंड जो कलर है वो आ जाता है। इसको ऑन करने के बाद आप अगर फुल वाइट कर देंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा। और इसको ड्रैग करके आप नीचे लगा दीजिएगा, आपको जहाँ पर अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको छोटा बड़ा खींच के आप छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। और इसको यहाँ पे ऐसे करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे लगा दूंगा। और एक काम बचा है कि यहाँ पे इन एनिमेशन को आप देख सकते हो। इन एनिमेशन जैसे यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आता है कि लेयर बाय डेटर, आपको ऐसे लिखा हुआ समझ में आएगा, लिखा हुआ आप जो लिखे वो ऐसे लिखा हुआ ऊपर में आएगा। और इसको एंड में इसका क्या होगा, एंड में ये जैसे लिखा हुआ आया था ऐसे ही क्लोज होगा, ऐसे ही हम लोगों को कुछ करना होगा। मैं डिवरेज कर देता हूँ, ये ऐसे करके आउट हो जाएगा, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे यूज़ करना चाहते हैं यूज़ इसमें कर सकते हो। तो अभी ये हो गया टेक्स्ट का काम। ये टेक्स्ट का काम यूज़ करके कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो ये एक्सप्लेन में आपका काम आएगा, ठीक है। इसको छोड़ के हम लोग लेजर में, लेयर में एक और ऑप्शन बचा है कि ये आपका स्निपिंग टूल। यहाँ पे प्रेस करके आपका बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरो है, यहाँ पे अगर एरो हम क्लिक करेंगे तो ये एरो आ जाएगा यहाँ से। ये आपका जो है बेसिकली कोई ऑप्शन को
दिखाने के लिए आपको यूज़ किया जाता है। और अभी यहाँ पे दूसरा कोई अगर यूज़ करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे क्लिक करके आप कलर को एडजस्ट कर सकोगे। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका जो है कलर को आप यहाँ से ले सकोगे। इसको मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ये ऑप्शन आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके, बेसिकली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका ये जो स्निपिंग टूल है, टूल का जो साइज़ छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसको मीडियम कर देता हूँ फिर से, और फिर यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है ये आपका ये ऑप्शन अलग सा है, यहाँ पे आप क्लिक करके फिर यहाँ से आपका इसका शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है। अभी इसका जो ट्रांजिशन है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इन ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे ड्रॉ बाय स्ट्रोक जैसे करेंगे ये आपका ऐसे करके आएगा, और आउट एनिमेशन इरेज बाय स्ट्रोक कर दीजिए तो ये अच्छा लगे। यही स्टैंडर्ड है, मैं यही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। इसको भी हम लोग कर देते हैं ड्रॉ बाय स्ट्रोक, और आउट है इरेज बाय स्ट्रोक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा कि एडवांस तरीके से कैसे आप वीडियो एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन देख सकते हो वॉइस का। यहाँ पे देख सकते हो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये जो वॉइस है यहाँ पे वॉइस आपका रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दो तो आपका जो वॉइस है रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर स्टार्ट कर दूँगा तो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये ऑफ हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आके अपने हिसाब से वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ऑडियो में। ऑडियो में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपका जो फोल्डर्स में जाके आपका जो भी फोल्डर में जो गाना है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे जो भी गाना है, यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये पहले बजेगा। ये आप देख सकते हो कि ये जो ट्यून है यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे अगर ऐड पे क्लिक कर दोगे तो ये वाला ऑडियो यहाँ पे आ गया है। आप देख सकते हो ये वाला जो ऑडियो है आ गया है। मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ऑडियो का बेसिकली यही काम होता है, ठीक है। और बाकी सारा चीज़ यहाँ पे जो बहुत सारा ऑप्शन है, मैं इसके बारे में और थोड़ा बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन है ई वाला ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है सेव कैप्चर एंड सेव, मतलब आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उसको कैप्चर करके फोटो में सेव कर लेगा। और यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है कि कैप्चर एंड ऐड क्लिप्स, कैप्चर करके उसको क्लिप में ऐड कर देगा, मतलब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन है कैप्चर ऐड एज लेयर, ठीक है। ये लेयर मतलब नीचे आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है लेयर, ये नीचे आ गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वीडियो जैसे ही मैं कैप्चर किया, ये आप देख सकते हो कि वीडियो के नीचे इसको फोटो कैप्चर करके इसके नीचे आ गया है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, आप मेरी वीडियो में देखे होंगे, मान लीजिए अभी इसको अगर फ़ोन में या टीवी का कुछ जगह पे दिखाना है तो यहाँ से ये चीज़ आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कैप्चर एंड सेव, मतलब ये फ़ोटो देख सकते हो कि ये फ़ोटो गैलरी में सेव हो गया। और दूसरा एक ऑप्शन आता है ऐड कैप्चर एंड क्लिप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, जो ये जो ऑप्शन था पहले जिस जगह पे ये वाला सीन था वहाँ से एक फ़ोटो कट करके ये पहले आ गया है। इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। आपको जाहिर है इसका जो काम है आप जान ही चुके होंगे। और अगर सब कुछ करने के बाद आपको लगे कि हाँ अभी मेरा वीडियो रेडी है, पूरा का पूरा रेडी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल अप डाउन करके आपका जो वीडियो है, वीडियो का साइज़ आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो बटन दिख रहा है इसको आप चेंज करके आपका वीडियो का जो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, कुछ भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपका बेसिकली सिनेमा पैल ये जो है इसको छिड़खनी मत करिएगा, 30p रखने दीजिएगा और इसमें आपका वीडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के क्लिक कर दोगे तो आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप जैसे ही कैनमास्टर को फिर से ओपन करोगे, आपका अगर कोई पिछला वाला कोई प्रोजेक्ट आपका है तो आपको ऐसे दिखेगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसे एडिट करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको इसको प्ले करना है तो यहाँ पे जाइएगा। प्ले करने से क्या होता है, देखिए आप देख पाएंगे, अगर YouTube में इस वीडियो को शेयर करने से पहले आप देख पाइएगा कि ऐसे ये वीडियो आपको शो होगा, तो ठीक है। ये टूल मैं भी यूज़ करता हूँ। अगर आपको इसको एक्सपेक्ट करना है तो आप इस यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद वही सेम मैं जो पहले बताया था इसे आपको क्लिक करना है। अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा कुछ और काम बचा है तो मैं वही चीज़ को आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो ऑडियो का पार्ट है, आपको ऑडियो मैंने दिखाया था कि कैसे ऐड कर देना, मैं ऑडियो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए कभी बार क्या होता है कि वीडियो से ज़्यादा ऑडियो बड़ा हो जाता है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऐसे करके ड्रैग कर देना है, फिर इसको एंड में लाना है। एंड में लाने के बाद आपको इसको नीचे ड्रैग करना है। नीचे ड्रैग करने के बाद आपको ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर जैसे करोगे आपको यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके ट्रिम और स्प्लिट पे जाना है और यहाँ पे
आपको लेफ्ट कर देना है, राइट से इसको कट कर देगा। इसको जैसे क्लिक करोगे आपका ये जो ऑडियो है रेडी, एकदम तैयार, फटक से तैयार हो गया। अब ऑडियो पे क्लिक करके आपको यहाँ से ऑडियो का साउंड भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो तो इसको तो मैं आपको दिखाया था पहले ही, तो खैर छोड़िए, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद का जो ऑप्शन आता है, अभी एक और चीज़ आपको दिखाना है कि लेयर में जाने के बाद आपको लोअर थर्ड कैसे ऐड करना है। लेयर में जाने के बाद आपको मीडिया में जाना है, फिर इसको यहाँ पे मैं एक ग्रीन स्क्रीन का वीडियो रखा हूँ, इसको कैसे क्रोमा की मिलाना है। क्रोमा की में यहाँ पे जो क्रोमा की का ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है। जब देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है आपका जो, अगर यहाँ पे ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर ऑटोमेटिक ले लेगा। मैं दिखा देता हूँ, इसमें इसको ऑन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स को एडजस्ट करके आपको ये जो लोअर थर्ड है इसका आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसको यूज़ करके आप इसको घुमा भी सकते हो, वो आप जिस तरह से अच्छा लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे लोअर थर्ड इसको बोलते हैं, लोअर थर्ड ऐसे यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ आपको मैं दिखाया था, मेरा चैनल का जो नाम है यहाँ पे यू आर वॉचिंग, ये चीज़ को आप एक और चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक की का ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पे आप प्रेस करके इसको आप क्या कर सकते हो, एंड में ले जा करके ये जो इसको अगर यहाँ पे आप ऐसे अप डाउन करोगे तो यहाँ पे ये एक स्पेशल ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही वीडियो को प्ले करेंगे ये हो गया, जैसे वीडियो को प्ले करेंगे अब देख सकते हो, एक मिनट, वीडियो का जो ऑडियो है अब देख सकते हो, ये जो लिखा है ऊपर जा रहा है। तो आपके हिसाब से आप अगर चाहे तो इसको दाएं बाएं कहीं पे भी आपको आप इसको रख सकते हो। तो ये ऐसे होता है, अगर ये मुझे फिर से इसको डिलीट कर देना है तो मुझे बैक में जाना है, इसको बैक कर देना है, ठीक है। इसको मुझे अंडू कर देना है, अंडू कर देंगे तो ये हो जाएगा। अगर इसको बीच में लगाना है, बीच में लगाने के लिए आपको इसको फिर बीच में ले जाना है। बीच में ले जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से की में प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपको प्लस में प्रेस कर देना है, तब ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रेस करके इसको मैं इस तरह से लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बूंदी के तरीके का यहाँ पे आ गया है, मतलब ये काम कर रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ले जाऊँगा, फिर ऐड करके इसको मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पे अगर लेके आता हूँ तो ये ऐसे काम करेगा। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम हो रहा है। अब देख सकते हो ये अभी डायने से पाया जा रहा है, फिर से जब जैसे चेंज होगा ये, ठीक है, तो ऐसे हो रहा है। मैं इसका साउंड को यार फिर से कंट्रोल कर देता हूँ, प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया एक चीज़, ये आपका क्रोमा की हो गया और ये हो गया। और मान लीजिए कभी आपका जो ये है इसके ऊपर अगर मैं कोई लेयर लगाता हूँ तो वो लेयर अगर ढक जाता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ये मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक और लेयर लेके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो दो लेयर मैं लिया हूँ, इसको मैं ढक दिया हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको आप ऐसे कर दोगे तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगा, ऐसे कर दोगे तो ये ऑप्शन स्क्रीन पर आ जाएगा। ये आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे चाहिए जिस तरह से चाहिए ये आपको दिखाना है, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पे जो एक और दिख रहा है इस फोटो को भी मैं ऐसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, लेकिन फुल स्क्रीन करने के बाद ये फोटो दिख नहीं रहा है। तो ये दिख नहीं रहा, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ जाएगा डुप्लीकेट, आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ब्रिंग फ्रंट जैसे करोगे ये फोटो आपका फ्रंट में आ जाएगा, देखा। फिर अगर आपको इस फोटो को फ्रंट में लाना है तो आपको इसको फ्रंट में लाना है, अगर इसको बैक में ले जाना है तो बैकवर्ड में लेके जाना है। तो आप ऐसे करके जो है ये एक इसको लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप लेके आ सकते हो कहीं पे भी। तो ये एक हो गया ऑप्शन, बाकी सारा अगर आपको इस वीडियो में कुछ क्वेरी चाहिए यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जाके पूरे वीडियो को सिर्फ लेयर को देख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ दिखना है अच्छे से दिखना है तो आप यहाँ पे जाके फिर सिर्फ लेयर पे जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिला है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को आपके लिए बनाने के लिए, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के लिए 200 लाइक मिल जाएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं अगला वीडियो में आपसे मिलता हूँ।